शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का असर अब भारतीय बाजार पर भी पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में भी अगर दोनों देशों के बीच इसी तरह का टकराव जारी रहता है तो भारतीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल देश में अप्रैल मध्य तक का ही सूरजमुखी तेल का भंडार मौजूद है। बढ़ते तनाव के कारण पिछले 2 दिन में तेल की कीमत 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। दरअसल भारत सालाना 25 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है। इनमें 90% हिस्सा रूस और यूक्रेन से आता है, क्योंकि यह दोनों देश ही तेल के बड़े निर्यातक हैं। पाम और सोयाबीन तेल के बाद देश में सूरजमुखी तीसरा ऐसा खाद्य तेल है जिसका बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। देश में तिलहन उत्पादन नाकाफी रहने से भारत को खाद्य तेल की कुल मांग का 60% हिस्सा बाहर से मंगवाना पड़ता है। देश में सालाना करीब 2.3 करोड़ टन खाद्य तेल की मांग है। अगर रूस और यूक्रेन में सैन्य संघर्ष लंबे समय तक जारी रहा तो बंदरगाहों पर व्यापारिक गतिविधियां कम हो सकती हैं। इससे तेल और सोयाबीन तेल पर निर्भरता बढ़ सकती है। इधर पहले ही इन दोनों तेलों की आपूर्ति कमजोर स्थिति में है। भारत प्रत्येक महीने औसतन 2 से 2.5 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है। इनका करीब 70% हिस्सा यूक्रेन और 20% हिस्सा रूस से आता है। शेष 10% हिस्से का अर्जेंटीना से आयात किया जाता है। पिछले 1 वर्ष के दौरान कच्चे सूरजमुखी तेल के दाम में 14.4% से अधिक का इजाफा हो चुका है। पाम और सोयाबीन तेल की कीमतों में तो इससे भी अधिक तेजी देखी गई है। इंडोनेशिया में पाबंदी और देश के बड़े उत्पादक राज्यों में श्रमिकों की कमी सहित अन्य कारणों से पाम तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस वजह से पिछले 1 साल के दौरान इसके दामों में भारी इजाफा हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो 25 फरवरी को बाहर से आए कच्चे पाम तेल की कीमतें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 63% अधिक थी, जबकि पिछले साल की तुलना में कच्चे सोयाबीन तेल का भाव करीब 54% अधिक था। फिलहाल तो यूक्रेन में बंदरगाह बंद हो चुके हैं और जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। अगर रूस और यूक्रेन में लड़ाई इसी तरह जारी रही तो मार्च के अंत तक सूरजमुखी तेल की उपलब्धता कम हो सकती है। फिलहाल देश में मार्च अप्रैल मध्य तक सूरजमुखी तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन दोनों के बीच हालात नहीं सुधरे तो उपभोक्ता सोयाबीन सहित दूसरे वैकल्पिक तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनके दामों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। गुरुवार से खाद्य तेलों की कीमतों में कुछ कमी दर्ज की गई और उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो केंद्र को एक बार फिर शुल्कों में कटौती करनी पड़ सकती है। रूस यूक्रेन के बीच तनाव के कारण 1 सप्ताह में थोक में खाद्य तेलों के दामों में 15 रुपए लीटर तक का उछाल आया है। पिछले 2 दिन में कीमत 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ी है। दोनों देशों के बीच हालात ऐसे ही रहे या और बिगड़े तो कीमतों में अभी और बढ़ोतरी का अनुमान तेल कारोबारियों ने लगाना शुरू कर दिया है। भारत में खाद्य तेल विदेश से आता है। इन दिनों यूक्रेन से सनफ्लावर, इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम, अर्जेंटीना ब्राजील से सोया तेल की आवक कम हो गई है। इसी कारण पिछले 7 दिन में तेल की कीमतों में 15 रुपए लीटर तक तथा 2 दिन में सर्वाधिक 12 रुपए लीटर तक वृद्धि हो चुकी है। इसी तरह सूरजमुखी के तेल की कीमत 1 दिन में 10 रुपए बढ़कर 167 से 168 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। 7 दिन पहले इसके दाम करीब 150 रुपए प्रति लीटर तक थे। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।